बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल। मेडिक्स हॉस्पिटल एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि एक बोन डिजीज़ है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, इसकी क्या काजेज़ हो सकती हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवा के डायग्नोज करते हैं, किन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम इसके साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइनल कार्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी, मुख्तलिफ वर्टिब्रास से मिलकर बनी हुई है। जब ये वर्टिब्रास आपस में फ्यूज होते हैं, बनते हैं, तो उसको स्पाइनल कार्ड कहा जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज कर पाते हैं। अब एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को समझने के लिए हमें इस इमेज पर गौर करना होगा। ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है और यहाँ पर बहुत सारे वर्टिब्रास मिलके ना एक स्पाइनल कार्ड बनाते हैं, रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये सर्वाइकल, ये थोरासिक और ये लंबर वर्टिब्रास हैं। ये आपस में फ्यूज होते हैं जिसकी वजह से एक स्पाइनल कार्ड बनता है। एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केस में ये होता है कि इन दो वर्टिब्रास के दरमियान में ना एक डिस्क होती है जिसको वर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। इस डिस्क का काम ये होता है कि ना ये हमारी वर्टिब्रा को ना फ्लेक्सिबल प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबल बनाती है, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ झुक पाते हैं, साइड की तरफ झुक पाते हैं, हम सजदा परफॉर्म कर सकते हैं, जब डेली लाइफ एक्टिविटीज़ पुशअप वगैरह हम परफॉर्म कर सकते हैं। जब ये दो वर्टिब्राज आपस में फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो इस तरह से ये दो वर्टिब्राज इफेक्ट होंगे। फिर इसी तरह ये डिजीज़ आगे चलती जाएगी और पूरे वर्टिब्रल कॉलम को, रीढ़ की हड्डी को ना एक लोहे का राड बना देंगी, जिसकी वजह से हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन को एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है हेल्थ मास्टर। हेल्थ मास्टर के ऊपर वेजिटेबल फ्रूट्स के बारे में और वो किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बताया जाता है। अगर आप चाहें तो उसको भी विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं काजेज ऑफ एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की काज अननोन मानी जाती है, लेकिन 90% जो है वो जेनेटिक फैक्टर है। अगर आपकी फैमिली में से किसी को ये डिजीज़ हो तो उसके जीन्स आप में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। पुअर पोस्चर की वजह से, ट्रोमा और जॉइंट इंजरी की वजह से ये डिजीज़ हो सकती है। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से भी एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है, लेकिन इसका काज अननोन माना जाता है। और 90% जो इसका काज माना जाता है वो है जेनेटिक फैक्टर, कि अगर आपकी फैमिली में से किसी को ये डिजीज़ हो तो वो आप में ट्रांसफ़र कर सकती है एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या हो जाएंगे? जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे क्योंकि वो आपस में फ्यूज़ हो चुके हैं। इसके अलावा जॉइंट में सीवियर किस्म का पेन होगा। ये पेन लो बैक यानी कमर दर्द से स्टार्ट होगा, फटीग होगी और नेक में रेडिएट कर सकता है। पूरे स्पाइनल कार्ड जो है ना, रीढ़ की हड्डी, वो स्टिफ हो जाएगी और मॉर्निंग स्टिफ होगी, आप अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स थे जिनमें रीढ़ की हड्डी वगैरह स्टिफ हो जाएगी और जॉइंट पेन काज हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में वो डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं जिनकी बेस पे हम डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, एमआरआई और एक्सरे परफॉर्म करवा के हम क्लियर इमेज को देख सकते हैं, एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को डायग्नोस कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। ट्रीटमेंट ऑप्शन में उन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे हम एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को ट्रीट कर सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स को। फिजियोथेरापी एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है इसके अलावा, क्योंकि इसकी वजह से मोबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है, जॉइंट्स की स्टिफनेस को ख़त्म किया जा सकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन देंगे इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, एंटीपायरेटिक मेडिकेशन, इसके अलावा एनाल्जेसिक मेडिकेशन, मल्टी वाइटमिन दी जाती हैं वाइटमिन्स की कमी को पूरा करने के लिए, और बिकोजाइन के इस्तेमाल से भी हम एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को काफ़ी हद तक ट्रीट कर सकते हैं। एनाल्जेसिक मेडिकेशन दी जाती हैं ताकि पेन को, फीवर को, इन्फ्लेमेशन को कम कर सकें। इसके कुछ ब्रांड नेम हैं जिनमें फिनोप्रोफिन, ब्रिस्प्रोफिन, डेक्प्रोफिन, मेक्प्रोफिन शामिल हैं, जो कि 200 to 400 mg इजीली अवेलेबल होते हैं और 6 से 8 घंटे में दी जाती है ताकि इनके साइन एंड सिम्टम्स को ख़त्म किया जा सके। डेक्लोफिलिन एक सोडियम बेसिकली पेन रिलीफ के लिए दी जाती है। इनके कुछ ब्रांड नेम हैं जिनमें कैटाफ्लेम, वोल्ट्राल, वोरन और आर्निल वगैरह शामिल है। इंजेक्शन और टैबलेट फॉर्म में है, हर 6 घंटे के बाद आप दे सकते हैं पेन को कम करने के लिए। कैटोप्रोफिन एंटीफंगल मेडिकेशन है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, जो कि पेन रिलीफ के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए दी जा सकती हैं।
इसके अलावा बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो फिनोप्रोफिन दे सकते हैं फीवर को कम करने के लिए, वोल्ट्रा और कैटोफ्लेम आप दे सकते हैं पेन को कम करने के लिए, इसके अलावा प्रोफिन दे सकते हैं, पोलीबियन दे सकते हैं, बिकोजाइन वगैरह, ये हमारे विटामिंस और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए आप ये मेडिकेशन दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।